नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। राशिफल 13 अक्टूबर 2021 क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जल्दी से जानते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। सबसे पहले जानेंगे सुबह का संक्षिप्त पांचांग। सूर्योदय होगा 6:19 पर, सूर्यास्त होगा 5:22 पीएम पर। वार है बुधवार, चंद्र राशि धनु, तिथि अष्टमी, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, पक्ष शुक्ल पक्ष, सूर्य राशि कन्या, अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं, राहु काल 12:06 पीएम से लेकर 1:32 पीएम तक। आज आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, तो आपको ढेरों शुभकामनाएं। अब हम बात करेंगे आपकी राशि की। वृषभ राशि, आज थोड़ा सा उदास रह सकते हैं, थोड़ा सा चिंतित रह सकते हैं, काम में रुकावटें आएंगी, गाड़ी वाहन चलाते समय सावधानी रखें, सट्टेबाजी में धन का निवेश करने से हानि हो सकती है, जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद वाद विवाद का कारण बन सकता है, प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं रहेगा, आपकी कमर के निचले हिस्से में तकलीफ हो सकती है, अपनी भाषा का संतुलन बनाए रखें, अन्यथा आपको अनावश्यक समस्या का सामना करना पड़ सकता है, नए विषय को जागने की इच्छा जागृत होगी, बच्चों की सुख सुविधाओं का आपको ध्यान होगा और बच्चों की सुख सुविधाओं के ऊपर खर्चे हो सकते हैं। आज आप मन से काम नहीं करेंगे, जॉब में परेशानियां आ सकती हैं, माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता सता सकती है, ऐसी बातों पर ध्यान ना दें जिससे आपका ध्यान भंग हो। आज आपको शुभ ग्रहों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है, आपका दिन आपकी मेहनत से और एकाग्रता से बहुत अच्छा हो सकता है, परिवार के लोग आपका साथ देंगे, ये एक अच्छी बात होगी, आपको हर मुश्किल घड़ी में कहीं ना कहीं से कोई सहायता मिल जाएगी, समाज में आपको लोग हेल्प करेंगे, आपके बॉस जो हैं वो आपसे आपकी परेशानियों का हल करने के लिए आपसे बात कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर एक तरफ दिन उदासी भरा है, लेकिन उदासी के बाद तुरंत ही आपको हेल्प मिल जाएगी, धन संपत्ति के मामलों में आपको लाभ हो सकता है, व्यवसाय में आज प्रगति हो सकती है, अपने ग्राहकों से मीठी भाषा में बात करें, बस जीवन साथी से अगर आप रिश्ते सुधार लेते हैं आज, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप कोई नई डील भी कर सकते हैं, भाग्य लगभग 75 से 80% आपके पक्ष में बना हुआ है। तो ये जाना आपने आपकी राशि का राशिफल। आपको आज करना क्या है, माँ दुर्गा की उपासना करनी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है और भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ानी है, इससे आपके सभी कष्ट दूर होते चले जाएंगे। और अब हम जानते हैं कि साक्षात माँ लक्ष्मी को पाने के लिए हमें क्या करना होगा। इस दीपावली साक्षात माँ लक्ष्मी आपके घर आ सकती हैं, अगर आप चाहते हैं कि सारी जिंदगी धन दौलत आपकी तिजोरी में बनी रहे, तो इस दिवाली इस साक्षात गणेश लक्ष्मी को, श्री यंत्र को और बाकी अन्य पूजा सामग्री को अपने घर लाएं, ताकि आप भी माँ लक्ष्मी की पूरी 100% कृपा पा सकें और ऐसी लक्ष्मी जो आए तो कभी जाए ना। आइए विस्तार से जानते हैं, क्या इस दीपावली में आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर सबसे पहले आए और हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में आके बस जाए, तो पूजा करें इस साक्षात माँ लक्ष्मी के स्वरूप की। ये ना मिट्टी के हैं, ना प्लास्टिक के हैं, ना सोने के हैं, ये हैं ओरिजिनल सात मुखी रुद्राक्ष यानी माँ लक्ष्मी और पांच मुखी गणेश रुद्राक्ष यानी भगवान गणेश का स्वरूप। ये ओरिजिनल हैं, ये देखने को नहीं मिलते हैं। अभी तक जो भी चीज़ आपने ली होगी वो किसी इंसान की द्वारा बनाई गई उसकी रचना होगी, लेकिन ये ओरिजिनल है जिसको साक्षात शिव ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। और इसके साथ में आपको दिया जाएगा ये श्री यंत्र जो कि ओरिजिनल स्फटिक का है, कांच का नहीं है, और उसके साथ में आपको मिलेगा ये ब्रास का कछुआ, और उसके साथ में बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको दिखाता जाता हूं। जैसे कि ये माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय क्या चीजें हैं, सीप, कौड़ी, कमलगट्टा, चंदन की माला और चरण पादिका, ये सारी चीजें आपको जैसे दिख रही हैं इसी प्रकार से आपके घर जाएंगी। इसके साथ में माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए और गणेश जी को खुश करने के लिए जनेऊ, उसके साथ में ये छोटी सी सुंदर सी आसन के रूप में चुनरी, उसके साथ में धूप बत्ती और बत्ती, ये सुगंधित धूप है जो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, उसके साथ में ये दिया और ये स्पेशल बत्ती जो आप दीपावली की पूजा में जलाएंगे, देसी घी के दीपक में जलाएंगे, इसके साथ में आपको ये खील बताशे जो माँ लक्ष्मी को सर्वप्रिय है, इसके साथ में ये हल्दी की गांठ, इसके साथ में ये सिंदूर जो माँ लक्ष्मी को आप चढ़ाएंगे, टीका लगाएंगे, ये सुपारी और उसके साथ में ये कपूर आरती करने के लिए, धनिए के बीज,
प्रसाद के रूप में मिश्री और चढ़ाने के लिए अक्षत और लौंग इलायची और माँ लक्ष्मी को टीका लगाने के लिए हल्दी केसर और चावल का मिश्रण, इसमें पानी घोल के आप टीका लगाइए पूरे परिवार को और भगवान को लगाइए। उसके साथ में ये इत्र और उसके साथ में आपको ये मिलेगा लघु नारियल और ये यंत्र, जो यंत्र है आपका लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र, ये आपको मिलेगा एक नजर बट्टू। इसको घर के दरवाजे के बाहर टांग दीजिएगा, पूरे वर्ष भर या सालों साल आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं आएगी और आपको मिलती रहेगी माँ लक्ष्मी की कृपा। इतनी सारी चीजें, टोटल 31 चीजें हो गई। और देखिए इसको आप इस तरीके से बंद करके पूजा करिए और ये सालों साल चलेंगे, आपको बार बार बदलने की जरूरत नहीं है, हर साल बदलने की जरूरत नहीं है, सालों साल चलेंगे ये। जब तक ये संसार है तब तक ये गणेश लक्ष्मी आपके साथ हैं। और इसी प्रकार से आपका जो श्रीयंत्र है ये भी सालों साल चलेगा। इसको भी इस तरीके से आप बंद कर दीजिए, अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपनी तिजोरी में इसको सुरक्षित रखिए और कुछ ये इस प्रकार से लगेगा। इस प्रकार से देखिए कितना बेहतरीन, सालों साल आप इनकी पूजा करें और आशीर्वाद पाते रहें। और इस प्रकार से ये स्टैंड के रूप में आपको कछुआ भी दिया जाएगा, जिसको भी आप अपने घर के मंदिर में या किसी भी तिजोरी में रख सकते हैं। ये सारी चीजें जब आपके घर होंगी तो माँ लक्ष्मी आपके घर हमेशा हमेशा के लिए आएंगी। मिट्टी की मूर्ति, पीतल की मूर्ति, सोने की मूर्ति, जो भी चीजें हैं वो धातु है और ये ओरिजिनल जो ईश्वर ने बनाया है ये वो चीजें हैं, ये नष्ट नहीं होती हैं कभी। और कहते हैं जिसने रुद्राक्ष के रूप में माँ लक्ष्मी की पूजा की वो इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान होता है। तो इस दीपावली आप ये मंगाएं, इनका पूजन करें और यकीन मानिए सबसे सुंदर दिवाली होगी आपकी और आपके परिवार की। आप गिफ्ट भी दे सकते हैं, L55 लिखकर आप हमें मैसेज करें, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर फोन करें। ये ओरिजिनल नेपाली रुद्राक्ष विश सर्टिफिकेट चांदी में मढ़े हुए छत्र के रूप में है, ओरिजिनल स्फटिक का श्रीयंत्र है। आप ऑर्डर करने के लिए L55 लिखकर व्हाट्सएप करना ना भूलें।